गाइस, आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस, आज हम लोग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे अकाउंटेंसी का, जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बहुत ही शॉर्ट वे और बहुत ही कंसाइज वे में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लाइक हम लोग चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, इस पे आपका एक शॉर्ट नोट्स भी बन जाता है। तो सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है ये पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा डेफिनेशन, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मैं बता रहा हूं, बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर है राइटिंग में, जहां पे जो मेकर ऑफ द बिल है वो ऑर्डर करता है सामने वाले को जो कि पे ही होता है कि मेरे को एक सर्टेन अमाउंट तुम मेरे को पे करोगे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद। समझ में आया, बेसिकली क्या है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर है इन राइटिंग जो डायरेक्ट कर रहा है सामने वाले को कि आप मेरे को एक सर्टेन डेट में इतना पेमेंट पे करोगे। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। बेसिकली देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों होता है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में होता है। मान लीजिए मैं आपको गुड्स सेल कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं आपको कैश में गुड्स सेल कर रहा हूँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको गुड्स सेल किया, मेरे को पैसा मिल गया। दिक्कत तब आती है जब मैं आपको क्रेडिट में पेमेंट, मान लीजिए क्रेडिट में आपके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, मैंने आपको क्रेडिट में गुड्स सेल किए, तो आपको मान लीजिए मैंने आज गुड्स सेल किया और आपने मेरे से ना क्रेडिट पे 2 महीना लगाना है, 2 महीना के बाद मैं आपके पास जाऊंगा, हो सकता है आप अपनी बात से निकल जाओ। तो ये सब प्रॉब्लम्स को ना मतलब इग्नोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं। मान लीजिए कि आज मान लीजिए कि मैंने आपको गुड सेल किया और 2 महीना बाद आप बोल रहे हो कि पेमेंट करने के लिए, तो मैं आज आपके नाम पे एक बिल बनाऊंगा और वो बिल आपके पास भेजूंगा, आप उस बिल में साइन करोगे, इसका मतलब आपने बिल एक्सेप्ट किया, उसके बाद आप बिल मेरे को वापस दे दोगे। जब तक वो 2 महीना नहीं गुजरेगा वो बिल मेरे पास ही रहेगा, जैसे ही वो 2 महीना पास होगा मैं बिल लेके आपके पास जाऊंगा और आपको बोलूंगा कि पेमेंट कर दीजिए, आप क्या करोगे पेमेंट कर दोगे, मैं उस बिल को फाड़ दूंगा। समझ में आया। तो ये बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जो इंस्ट्रूमेंट मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे मैं क्या हूँ, मैं हूँ ड्रॉवर और सामने वाला क्या है, वो है ड्रॉई। जो बिल बनाता है वो ड्रॉवर होता है और जो बिल एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉई होता है, ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझने के लिए ना हम लोगों को ना कुछ सर्टेन टर्म्स को समझना पड़ेगा। कुछ टर्म्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ अभी डिस्कस कर लिया है, तो अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाऊंगा। पहला टर्म है ड्रॉवर। ड्रॉवर का मतलब क्या होता है, द सेलर और क्रेडिटर हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी और हु ड्रॉज द बिल। मैंने एग्जाम्पल दिया था, मान लीजिए मैंने आपको उधार में सामान बेचा है, तो मैं सेलर हूँ, जो गुड सेल करता है उसी को पैसा मिलने वाला रहता है, तो कहीं ना कहीं मैं क्या हूँ, आप मेरे को पैसा देने वाले हो तो मैं आपका क्रेडिटर हूँ। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं ही बिल बनाऊंगा आपके ऊपर, तो मैं यहाँ पे क्या हो गया, मैं हो गया यहाँ पे ड्रॉवर। जो पर्सन बिल बनाता है, जो सेलर होता है, जिसको पैसा मिलने वाला रहता है, वो क्या होता है, ड्रॉवर। सेकेंड टर्म है ड्रॉई। ड्रॉई का डेफिनेशन क्या है, द परचेजर और द डेटर ऑन हुम द बिल इज मेड और ड्रॉन एंड हुम हु इज लायबल टू पे द अमाउंट मेंशन इन द बिल। जैसे मैं वापस एग्जांपल देता हूँ, मैंने मान लीजिए आपको 10,000 रुपए का गुड सेल किया, ठीक है, आपने बोला 2 महीना बाद में पेमेंट करूंगा, तो मैं आपके नाम पे एक बिल बनाऊंगा, आपसे वो बिल साइन कराऊंगा, तो बेसिकली आप परचेजर ही तो हुए, मैंने आपको गुड सेल किया, और जैसे आप परचेजर हुए इसका मतलब आप मेरे लिए डेटर हो गए, मैं आपसे पैसा पाने वाला हूँ, तो आप मेरे लिए डेटर हो गए। आप क्या करोगे, वो पेमेंट करोगे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो कि आपने बिल में मांगा है। मान लीजिए 2 महीना का आपने क्रेडिट पीरियड माना है, तो 2 महीना के बाद आप मेरे को पेमेंट कर दोगे। तीसरा टर्म है पे। पे बेसिकली क्या होता है, पे का मतलब होता है द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड, द ड्रॉवर हिमसेल्फ और द थर्ड पार्टी इज द पे। जिसको पैसा मिलने वाला होता है ना वही क्या होता है, पे। अब जैसे मान लीजिए मैंने बिल बनाया, इसका मतलब पेमेंट मेरे को मिलने वाला है, क्योंकि मैंने आपके नाम पे बिल काटा, आप पेमेंट करोगे बिल का तो पेमेंट मेरे को मिलेगा, तो मैं पे ही हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक्स बोल के एक बंदा है, उसको मेरे को पैसा देना, मतलब मैं उसको पेमेंट करने वाला हूँ, तो मैंने क्या किया ना, मैंने बोला कि ठीक है देखो, सामने वाला बंदा मेरे को पेमेंट करेगा, काम करोगे बिल तुम ही रख लो, तुम जाके उससे पैसा कलेक्ट कर लेना, अपने पास रख लेना। तो इस केस में भले मैं ड्रॉवर हूं लेकिन अल्टीमेटली पैसा उस थर्ड पर्सन को मिल रहा है, तो वो भी पे ही हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि पे ही और ड्रॉवर सेम पर्सन हो, और ऐसा भी हो सकता है कि पे ही और ड्रॉवर अलग अलग पर्सन हो। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फोर्थ टर्म है प्रोमिसरी नोट। देखिए प्रोमिसरी नोट क्या होता है, क्या बोल रहा है, सम टाइम परचेजर ऑफ द गुड्स और डेटर himself writes a note, sign it and give it to the seller, it is called promissory note. Basically क्या होता है, bills of exchange क्या होता है ना, bills of exchange में जो drawer of the bill होता है, मतलब जो seller होता है ना, वो bills of exchange बनाता है, और उसको accept कौन करता है, उसको accept करता है drawee.
मतलब जो मेकर ऑफ द बिल है वो कौन है, वो सेलर है जिसको पैसा मिलने वाला रहता है, ठीक है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है, जो मेकर ऑफ द बिल होता है ना वो खुद डेटर होता है, मतलब परचेजर होता है। मान लीजिए कि मैं आपसे कोई गुड्स खरीद रहा हूँ, ठीक है, तो प्रॉमिसरी नोट मैं ही लिखूंगा, उस प्रॉमिसरी नोट में मैं लिखूंगा कि इस पर्टिकुलर डेट को मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपका पेमेंट कर दूंगा, तो यही प्रॉमिसरी नोट है। तो प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि प्रॉमिसरी नोट बेसिकली कौन बनाता है, वो बनाता है आपका परचेजर या फिर डेटर, समझ में आया। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है, सेलर या फिर क्रेडिटर, जिसको पैसा मिलने वाला रहता है, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग सामने वाले एक आपको एक चार्ट है ना, आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझा देता हूँ कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे वर्क करता है, फिर आगे का टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। आप जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, ये चार्ट में ना मैंने सीक्वेंस में नंबरिंग की हुई है ताकि आप सीक्वेंस में समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए ए बोल के बनना है, सबसे पहले क्या हुआ, ए ने ना गुड सेल किया क्रेडिट पे बी को, कितना रुपया का गुड सेल किया, 1,00,000 रुपया पे, और बिल कितना महीना का बना है, 2 महीना के ऊपर। मान लीजिए ये जो ए है, ए ने ना गुड सेल किया है बी को 1,00,000 रुपये का उधार पे, ठीक है। जैसे बिल बना है, पहला सीक्वेंस खत्म हुआ, ए ने क्या किया, सबसे पहले क्या हुआ, देखिए मैं वापस से समझा रहा हूँ। ए ने बी को ना गुड सेल किया क्रेडिट पे 1,00,000 रुपये का, ठीक है। जैसे ये ट्रांजेक्शन ओवर हुआ, ए ने क्या किया, एक बिल बनाया बी के ऊपर, ठीक है, 2 महीना का बिल, ठीक है, 2 महीना का बिल बना दिया। जैसे बिल बना ना, बिल उसके पास भेज दिया, ए ने बिल किसके पास भेज दिया, बी के पास भेज दिया। बी ने फिर क्या किया, बिल के ऊपर साइन किया, एक्सेप्ट किया, और उस बिल को वापस किसको दे दिया, ए को। फिर तीन चीज हो चुकी है, मैंने ए, मान लीजिए मैं हूं, मैंने क्या किया, गुड सेल किया बी को, मान लीजिए बी आप हो, मैंने गुड सेल किया। सेकंड मैंने क्या किया, आपको आपके ऊपर 2 मंथ्स का बिल बनाया और आपसे वो बिल साइन करा लिया। और फिर तीसरा स्टेज में क्या हुआ, आपने उस बिल को एक्सेप्ट किया, साइन किया और बिल वापस मेरे पास भेज दिया। अब वो बिल 2 महीना तक मेरे पास रहेगा। जैसे वो 2 महीना का पीरियड खत्म हो जाएगा, मैं यानी कि ए, मैं क्या करूंगा, वो बिल को आपके पास लेके जाऊंगा और फिर आप मेरे को पेमेंट कर दोगे 2 मंथ्स के बाद, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, बिल को कैंसिल कर दूंगा या फिर फाड़ दूंगा, समझ में आया। तो ये सीक्वेंस समझ में आया। तो ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैं जो कि बिल बना रहा हूं, मैं क्या हो गया, ड्रॉयर हो गया, और यहाँ पे मुझे कोई पैसा मिल रहा है तो मैं ही पे ही हो गया। और आपने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट किया, आपके ऊपर बिल बनाया तो आप क्या हो गए, ड्रॉइंग, और आपने पेमेंट किया तो आप भी ड्रॉइंग हो गए। तो ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट कुछ टर्म्स को समझते हैं। नेक्स्ट टर्म है डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड डेज ऑफ ग्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी शॉर्ट नोट्स भी आ जाता है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सम सॉल्व करने के लिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट होने वाला है। तो आइए मैं पहले पढ़ लेते हैं कि डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड डेज ऑफ ग्रेस होता क्या है। द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल बिकम्स ड्यू इज कॉल्ड ड्यू डेट और डेट ऑफ मैच्योरिटी। मतलब जिस दिन बिल मैच्योर होने वाला है, जैसे मान लीजिए मैंने आपके ऊपर 2 मंथ्स का बिल बनाया, आज मान लीजिए 1 जनवरी है, तो ठीक 2 महीने के बाद आपका बिल क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। उस डेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू डेट या फिर डेट ऑफ मैच्योरिटी। While calculating date of maturity or due date, it is mandatory to add 3 days of the period of the bill. These 3 days are called grace days. क्या होता है ना, basically जैसे जितना भी आपको credit period दिया जाता है ना, जिस दिन आपका bill mature होने वाला रहता है उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, due date, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हम लोग date of maturity बोलते हैं। Bills of exchange chapter में ना हम लोग को बोला गया है, mandatorily बोला गया है कि जिस दिन आपका bill mature हो रहा है ना, उस दिन आपको 3 days extra add करने पड़ेंगे। वो जो 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड होता है ना डेट ऑफ मैच्योरिटी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेस डेज। क्या बोलते हैं, ग्रेस डेज। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपके ऊपर 1 जुलाई 2016 को 2 मंथ्स का बिल बनाया, तो 1 जुलाई को बनाया तो जुलाई 1 मंथ हो गया, जुलाई के बाद अगस्त 1 मंथ हो गया तो 2 मंथ हो गया। September 1st को एक्चुअली बिल मैच्योर होना चाहिए था, लेकिन उस फर्स्ट में 3 दिन ऐड हो जाएंगे, तो मतलब 4 तारीख हो गए, 1 + 3 = 4, तो बिल कब मैच्योर होगा, 4th September 2016। तो यहाँ पे ड्यू डेट में 3 दिन ऐड हो गया, एक्चुअल ड्यू डेट क्या हो गया, 4th September 2016। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कुछ कभी कभी कैसा होता है ना कि मान लीजिए कुछ मंथ्स होते हैं जिसमें ना मतलब पूरा 30 डेज नहीं होता, तो उस डेज में उस केस में हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि ड्यू डेट क्या होगा। जैसे मान लीजिए मैंने 30 जनवरी को बिल बनाया आपके नाम पे, ठीक है, और 1 मंथ का बिल बनाया, तो 1 मंथ कब खत्म होगा, फेब्रुअरी का मंथ में 28 डेज होता है, तो 28 डेज तो हो गया, वो 28 डेज में आप क्या करोगे, 3 डेज ऐड करोगे, समझ में आया। तो यहाँ पे 1 को आप काउंट नहीं करोगे, आप कब से काउंट करोगे, सिंस मैंने 30 जनवरी को बनाया, तो 30 जनवरी से 1 महीना कब होता है, 30 जनवरी से 1 महीना, अब 30 दिन बाद 1 महीना होगा, लेकिन फेब्रुअरी में तो 30 दिन है ही नहीं, तो उस मंथ का एंड वाला डेट में आप 3 डेज ऐड कर दीजिएगा, तो 28 फेब्रुअरी
मई फरवरी का लास्ट डेट है, उसमें आप क्या कर दोगे, कितना डे ऐड कर दोगे, 3 डेज ऐड कर दोगे, तो आपका डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या हो जाएगा, 3rd March 2016 हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए मई का मंथ में 30th May और 31st May दोनों में से आप एक दिन अगर मान लीजिए बिल बनाए, मई में ऐसे बेसिकली कितना होता है 31 दिन होता है, 31st May 31 दिन का महीना होता है, लेकिन आपने 30th May को बिल बनाया, तो उस केस में हम लोग ये मानेंगे कि आपने 31 मई को ही आपने बिल बनाया है, आपका एक मंथ कब होगा, एक मंथ आपका कंप्लीट होगा, मान लीजिए एक मंथ का बिल है तो मई के बाद क्या होता है जून आता है, तो जून में 30 दिन होता है, तो 30 जून में आप 30 दिन मतलब 3 डेज ऐड कर दोगे ग्रेस का, तो आपका 3rd July क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी डेट हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको बहुत अच्छे से। चलिए तो हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, हम लोग पढ़ लिए सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब पढ़े, हम लोग ड्रॉवर का मतलब पढ़ लिए, हम लोग ड्रॉई का मतलब पढ़ लिए, हम लोग पे का मतलब पढ़ लिए, हम लोग प्रोमिसरी नोट का मतलब पढ़ लिए, हम लोग क्या पढ़ लिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे वर्क करते हैं, मैंने आपको चार्ट से भी बहुत अच्छे से समझा दिया, मैंने आपको ये भी समझा दिया कि डेट ऑफ मैच्योरिटी और डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है, इसमें मैंने आपको अलग अलग डेट्स ऐड करके बता दी कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद हम आपको एक नया टॉपिक सिखाते हैं, इसके लिए पता है कभी कभी इसमें ना शॉर्ट नोट्स भी आ जाते हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपने, क्या टर्म है बिल एट साइट, क्या है टर्म बिल एट साइट, और बिल एट साइट क्या होता है बेसिकली आप लोग पढ़ते चलिए, द एक्सप्रेशन एट साइट और ऑन प्रेजेंटेशन मींस पेबल ऑन डिमांड, इफ नो टाइम इज मेंशनड इन द बिल इट इज पेबल ऑन डिमांड, बिल्स पेबल ऑन डिमांड बिकम्स ड्यू एज सून एज द बिल इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, सच बिल्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू डेज ऑफ ग्रेस। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज में मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हुआ है बिल एट साइट या फिर ऐसा कुछ लिखा हुआ है ऑन प्रेजेंटेशन और अगर उसमें डेट नहीं दिया हुआ है, तो अपने यही मानते हैं कि इस पर्टिकुलर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ना कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता है। इसका मैच्योरिटी डेट कब माना जाता है, जिस दिन सामने वाले ने बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट कर दिया उसी दिन आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको बिल्स पेबल ऑन डिमांड भी बोला जाता है और इसमें ग्रेस डेज नहीं ऐड होता है। क्लियर हो गया आपको बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बिल आफ्टर डेट, कभी कभी क्वेश्चन में बिल आफ्टर डेट भी दे देता है, तो इस केस में क्या होता है, इन दिस पीरियड बिगिंस टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल The 3 days of grace are added to it. अब मैं आपको इसको एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ना मैंने बिल बनाया 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, और 2 महीने का बिल है। आपने बिल एक्सेप्ट किया 15 जनवरी को, बिल मैंने ड्रॉ किया 1 जनवरी को, लेकिन आपने एक्सेप्ट कब किया 15 जनवरी को। आपका जो पीरियड का काउंटिंग होगा ना 2 महीने का, वो 1 जनवरी से हो जाएगा। मतलब जिस दिन बिल ड्रॉ होगा उसी दिन से आपका पीरियड काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन आपने बिल एक्सेप्ट किया ना उस दिन से काउंटिंग नहीं स्टार्ट होगा, जिस दिन आपने बिल ड्रॉ किया उसी दिन से क्या हो जाएगा, आपका डेज काउंट होना शुरू हो जाएगा। तो आपका डेट ड्यू डेट क्या होगा, क्या होगा, 1 जनवरी का आपने बिल बनाया तो 2 महीने आप काउंट कर लिए, जनवरी फरवरी काउंट कर लिया, मार्च का महीना था कौन सा दिन, 4, क्योंकि आपने 1 तारीख को बनाया, तो 1 मार्च का एक्चुअली 2 महीना होता है, उसमें 3 दिन ऐड कर दीजिएगा ग्रेस डेज का, तो 4 मार्च 2015 को आपका क्या हो जाएगा, बिल मैच्योर हो जाएगा। तो ये बिल आफ्टर डेट में होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बिल आफ्टर साइट। बिल आफ्टर साइट में क्या बोल रहा है, इन दिस The period begins to run from the date of acceptance. 3 days of grace are allowed. मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, days of period counting कब होता है, मतलब हम लोग कब count करना start करेंगे, उस दिन से नहीं जब हम लोग bill बना रहे हैं, उस दिन से जब bill accept हो रहा है। Example में देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने 1 जनवरी 2015 को bill बनाया, ठीक है, 2 महीने का bill बनाया और bill accept हुआ 15 जनवरी को, तो bill का counting ना 1 जनवरी से नहीं count करेंगे अपने 2 महीने, अपने कब से count करेंगे, 15 जनवरी से, जिस दिन से बिल एक्सेप्ट हुआ है, तो 15 जनवरी से काउंट करेंगे, तो 15 जनवरी 15 फरवरी 15 मार्च 2 महीने हुआ, उसमें 3 डेज ग्रेस का ऐड कर देंगे, 15 + 3 = 18, तो 18 मार्च क्या हो जाएगा आपका ड्यू डेट हो जाएगा ग्रेस डे ऐड करने के बाद। तो गाइस आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया आज हम लोग क्या पढ़ लिए। हम लोग अभी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिए, छोटा छोटा टॉपिक्स को जो भी हम लोग आगे सम्स करने के लिए काम आएंगे। क्या क्या पढ़ लिए हम लोग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ लिए, हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ना चार्ट से समझ लिए, सब इम्पॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, हम लोग ड्रॉअर पढ़ लिए, ड्रॉई पढ़ लिए, पे पढ़ लिए, प्रोमिसरी नोट पढ़ लिए, फिर हम लोग डेट ऑफ मैच्योरिटी, डेज ऑफ ग्रेस पढ़ लिए, इसका एग्जांपल भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। ड्यू डेट के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में और भी बात करेंगे, कभी कभी हॉलीडेज पड़ जाता है तो उसके इसमें क्या होता है, जहाँ हम लोग सम्स करेंगे उस चीज के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फिर हम लोग बिल एट साइट पढ़ लिए, फिर हम लोग क्या पढ़ लिए, हम लोग बिल आफ्टर डेट भी पढ़ लिए और हम लोग बिल आफ्टर साइट भी पढ़ लिए। तो आई होप आपको आज का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस पर्टिकुलर नोट्स को कॉपी कर लीजिए और लेक्चर को कम से कम 1 से 2 बार सुन लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच।